लालू नीतीश और पीएम मोदी पर प्रशांत किशोर का एक साथ हमला। कहा लालू नीतीश ने लोगों को जाति के आधार पर बांटकर राज किया, जबकि मोदी जी ने 5 किलो अनाज का लालच देकर आपसे आपका वोट लिया। पीके ने बताया मुख्यमंत्री बनना नहीं है सपना। बोले अपने जीवन काल में अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते हैं। बिहार में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार आम जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि अपने अनुभव के माध्यम से जनता को सही दिशा दिखाते हुए बिहार के विकास की राह को मजबूती प्रदान की जाए। इसी कड़ी में सोमवार को प्रशांत किशोर ने गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्हें सुना। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता के कई सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कुछ लोग यह मानते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए अच्छा बोल रहे हैं, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं, लेकिन आप हमें नहीं जानते। मैं इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने शरीर को नहीं खपा रहा हूँ। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में 10 वर्ष के अंदर ऐसा बिहार बने जहाँ हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग रोजगार के लिए यहाँ आए, तब हम मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। प्रशांत किशोर ने गया में लालू नीतीश मोदी के शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 35 वर्षों में बिहार को जाति के आधार पर बांटकर लालू नीतीश ने शासन किया और मोदी जी ने 5 किलो अनाज का लालच आपसे आपका वोट लिया। बिहार में किस हद तक भ्रष्टाचार फैला है, यह बात इस बात से ज्ञात होती है कि 5 किलो अनाज में भी भ्रष्ट नेता और अधिकारी गरीब लोगों के 1 किलो के अधिकार छीन लेते हैं। इन सभी नेताओं को आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए जब तक आप जाति और भात से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी गरीबी नहीं मिट सकती। जब तक आप वोट 5 किलो मुफ्त अनाज के लालच में देंगे तब तक आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। 5 वर्ष बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, थाने को नहीं है, और जैसे अभी चुनाव आया तो सब बात भुला गया। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुए को बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। लालू नीतीश 35 साल से सबको जाति में बांट दिया, अब मोदी आए और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान बन जाओ, 5 किलो भात सड़ा हुआ खाओ और बोड़ा में हमको वोट देते रहो। इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। यही बताने आए हैं कि अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो अपने बच्चों के लिए आपको जगना पड़ेगा। हम